प्रिय मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, समय समय पर अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य गुरु शुक्र ग्रह की युक्ति, सूर्य शुक्र गुरु ग्रह की युक्ति का प्रत्येक राशियों से, कुंडली के प्रत्येक राशियों से कैसा संबंध होता है, क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है, उसको देखिए। जिसके कुंडली में मेष राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हो, ये तेजस्वी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, लगनशील होते हैं, मेहनती होते हैं। जिसके कुंडली में वृषभ राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हुआ हो, ये अक्षमातिक उन्नति करते हैं, हर कार्य इनके अक्षमातिक होते हैं, भाग्यवान होते हैं। जिसके कुंडली में मिथुन राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हो, ऐसे लोग भावुक होते हैं, उदार होते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं, इनको माता पिता से लाभ मिलता है। जिसके कर्क राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग IAS IPS बनते हैं, ऐसे लोग इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते हैं। जिसके पांचवें भाव में जिसके सिंह राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हो, ये पूर्ण विद्वान होते हैं, सरस्वती के उपासक होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, अपने शिक्षा के द्वारा अपना भविष्य बनाते हैं। जिसके कुंडली में कन्या राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हो, ये शत्रु विहीन होते हैं, ये चरित्रमान होते हैं, ये सन्यासी विचार के होते हैं। जिसके कुंडली में तुला राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हो, इनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं होता है, ऐसे लोग पारिवारिक तनाव में रहते हैं, शादी विवाह में रुकावट आती है, ऐसे लोग पारिवारिक विवादों के कारण जीवन में कभी इच्छा अनुसार उन्नति नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग सर्दी खांसी के रोग से परेशान रहते हैं, आँख के रोग से परेशान रहते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, विवादों में रहते हैं। जिसके धनु राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हो, ऐसे लोग राजनेता बनते हैं, संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं। जिसके मकर राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग देश विदेश में नाम फैलाते हैं, कम परिश्रम में अच्छी उन्नति करते हैं, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता होती है, ऐसे लोग दूरदर्शी विचार के होते हैं। जिसके कुंभ राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग धातु के, केमिकल के, पेट्रोलियम के व्यापार से, कपड़ा के व्यापार से अच्छा धन कमाते हैं, हीरो से हीरो बनते हैं, रंग से राजा बनते हैं। जिसके कुंडली में मीन राशि में सूर्य शुक्र गुरु बैठा हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, इनके संतान योग्य होते हैं, ये सामाजिक कार्य करते हैं, ईश्वरवादी होते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, जीवन के सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर देते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मैं आप फोन नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विवेचन कराने की इच्छा करते हैं तो मेरे फोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे, मैं विवेचन कर दूंगा। आपके सहयोग के लिए मैं फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद।